नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे बड़ी खबर, कोरोना एक बार फिर से किलर स्पीड पकड़ रहा है और हालात को बिगाड़ने से बचाने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चे पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना के बढ़ते केसेस और कोरोना की वैक्सीन को लेकर दो अहम मीटिंग्स करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले उन 8 राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करेंगे जहां पर कोरोना के केसेस सबसे ज्यादा हैं, और ये बैठक आधे घंटे बाद सुबह 10:30 बजे होगी। जबकि दूसरी मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ 30 सीएम होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर डिटेल शेयर करेंगे और वैक्सीन को लेकर राज्यों से सुझाव भी लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तमाम एक्सपर्ट्स के साथ वैक्सीनेशन को लेकर भी बैठक की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं, और अब क्या कोरोना से निजात की दिशा में भारत एक कदम आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर आज की इस अहम बैठक में भी चर्चा की जाएगी। ना सिर्फ 8 राज्यों में बिगड़े हालात, बल्कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर भी सीएम्स के साथ, राज्य के सीएम्स के साथ इस अहम बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले हम आपको इंडिया का कोरोना ग्राफ दिखाते हैं। इंडिया का कोरोना मीटर इस वक्त किस स्थिति में है, इस पर भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि यहां आज की इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे इंडिया के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में टोटल केसेस इंडिया में 91,77,753 हो चुके हैं, जबकि अभी भी भारत में एक्टिव केसेस 4,37,782 हैं। इंडिया में 1,00,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े हमारे पास हैं कि 24 घंटे में भारत में 37,441 केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 461 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। आज प्रधानमंत्री की ये जो पहली मीटिंग हो रही है, उसमें आपको बता दें 8 राज्यों के सीएम उनके साथ होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल होंगे, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खबर पश्चिम बंगाल से भी अच्छी नहीं है, महाराष्ट्र की स्थिति पर भी नजर रहेगी, गुजरात के विजय रूपानी के साथ भी चर्चा होगी, हरियाणा के हालात पर भी चर्चा होगी, और साथ ही राजस्थान। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू का फैसला भी इसीलिए लिया है क्योंकि यहां पर हालात ठीक नहीं है। केरल में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंडिया टीवी आपको अलग अलग स्टेट्स का कोरोना ग्राफ तो आगे दिखाएगा, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद ठीक 10:30 बजे जिन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक होने वाली है, उनमें कौन कौन से स्टेट्स शामिल हैं ये आपके सामने है। दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, केरल, इनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक पर नजर बनाएंगे इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर, और साथ ही अहमदाबाद से इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर होगी चर्चा? देखिए, पहले की जो 1.5 घंटे की बैठक है 10:30 बजे वो शुरू होगी, 10:30 बजे से 12 बजे तक जो 8 स्टेट का नाम आपने बताया उन स्टेट्स के साथ होगी, और उसमें क्योंकि वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो उस बात को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से उन्हें बताया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी है और केसेज जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई ज़रूरत हो, जैसे वेंटिलेटर, ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई, इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो उसके बारे में भी बताएं। और तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक चलेगी। उसके बाद 12 बजे के लगभग जो दूसरी बैठक होगी वो ज्यादा अहम होगी वैक्सीनेशन के लिहाज से। 20 नवंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है उन्होंने वैक्सीनेशन को लेके, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी शामिल हैं, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल हैं जो उसके चेयरमैन हैं, इसके अलावा अलग अलग जो संबंधित मंत्रालय हैं उनके सेक्रेटरी हैं, तो इनके साथ बैठक करके पीएम ने वैक्सीनेशन का पूरा एक रोडमैप जो तैयार किया है कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तकरीबन 1 करोड़ जो ऐसे हैं प्राइमरी फोकस ग्रुप है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। देश में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके लगभग 92% हॉस्पिटल ने अपने डाटा दे दिए हैं संबंधित लोगों को जिनका वैक्सीनेशन कराया जाए। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो लगभग 56% हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि अपना डाटा दे चुके हैं। तो एक बार जब वैक्सीनेशन आ जाएगा तो किस प्रक्रिया के तहत, किस तरह से, कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे स्टोरेज होगा, कैसे लगाया जाएगा वैक्सीनेशन लगाने की क्रिया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रही है, जाहिर तौर पर ज़्यादा बड़े मैन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपके राज्य में क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे नर्सिंग स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है, इन सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र और बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर लोगों की संख्या भी ज्यादा है, ऐसे में इन स्टेट्स को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाएगी देवेंद्र, इस पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर निर्णय, मेरा आपसे ये सवाल है जो हर भारतवासी जानना चाहता है, क्या भारत अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुका है? देखिए, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, दो कंपनीज ऐसी हैं भारत में जो जिनकी ट्रायल इस वक्त काफ़ी एडवांस स्टेज में, और बाकी जो विश्व में आपने देखा है जो रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं
मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसी कंपनीज के, फाइजर के जो रिजल्ट सामने आए हैं, ऑक्सफोर्ड के जो रिजल्ट सामने आए हैं, इनके साथ भी टाइप चल रहे हैं। इनकी वैक्सीन भी जल्द ही इनफैक्ट दिसंबर के एंड तक या जनवरी तक भारत में आ सकती है। आज भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इनफैक्ट जो फोकस रहेगा वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान किस तरह से तैयार किया जाए, जब वैक्सीन भारत में आ जाएगी तब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान तैयार किया जाए, इसको इनफैक्ट इस वक्त फोरफ्रंट पे रखा गया है। कई एक्सपर्ट ग्रुप से इसके बारे में चर्चा हुई है। नेटवर्क पूरा तैयार किया जा रहा है कि कैसे जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उन पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा, किस तरह से इसको जो दूसरे सब ग्रुप्स हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर के एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। जो राज्य हैं उनसे भी सुझाव मंगवाए गए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी यहाँ पे पत्रकारों को बताया कि आज प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा होने जा रही है उसमें राज्यों से भी सुझाव मंगाए गए हैं। राज्य अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे, अपने जो एरिया ऑफ कंसर्न है उसको भी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सुरभि, इस वक्त जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि जो बिगड़ती परिस्थिति है, बिल्कुल जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको पहले कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्योंकि जिस तरह का वेव हमें देखने को मिल रहा है उसने सभी स्टेट्स में चिंता बढ़ा दी है। निर्णय इस बारे में आपसे और चर्चा करें, उससे पहले हम दिल्ली का कोरोना ग्राफ अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जहां पर हालात फिलहाल हम देख रहे हैं त्योहार खत्म होने के बाद भी काबू में नहीं आ रहे हैं। और दिल्ली के ग्राफ पर नजर इसलिए भी क्योंकि राजधानी दिल्ली से पूरे एक हफ्ते से कोई राहत भरी खबर नहीं मिल रही है। 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 4,454 केसेस आ चुके हैं और आज ये फोर्थ डे है, चौथा दिन है जब राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ रही है। 121 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। इसीलिए हम दिल्ली में पिछले 6 दिन के कोरोना मीटर पर भी नजर डालना चाहते हैं, ये जानते हुए कि आखिर राजधानी दिल्ली में हालात काबू में क्यों नहीं हो पा रहे। और 24 घंटे में फिलहाल हमने आपको दिखाया कि इतने केसेस आ चुके हैं, यानी दिल्ली में आज भी यही खबर है कि हर घंटे 5 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब 6 दिन का कोरोना मीटर जिस पर नजर डाली, 18 नवंबर से 23 नवंबर का यह ग्राफ आपके सामने है। 18 नवंबर को 7,486 केसेस आए, उसके बाद 19 नवंबर को 7,546 केसेस। हालांकि ये ग्राफ आपको नीचे जाता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन इसमें कोई राहत भरी खबर नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में राजधानी में 6,608 केसेस, जबकि 21 नवंबर को 5,879, 22 नवंबर को 6,746 और इसके अलावा 23 नवंबर को 4,454 केसेस। अब डेथ मीटर राजधानी दिल्ली का और ज्यादा चौंकाता है, और जैसा कि आपको बताया आज ये फोर्थ डे है, चौथा दिन है जब राजधानी दिल्ली में 100 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। 18 नवंबर को हमने देखा 131 लोगों ने दम तोड़ा, 19 नवंबर को 98 लोगों की जान गई, जबकि 20, 21, 22, 23 नवंबर पर नजर डालिए 118 लोग ने जान गंवाई, 20 नवंबर को 111 लोगों ने दम तोड़ा, 21 नवंबर को, 22 नवंबर को 121 और 23 नवंबर को भी 121 लोगों की जान गई है। लेकिन राजधानी दिल्ली में किसी भी मार्केट में आप जाएं डरावने वाला मंजर सामने आता है। अब हम आजादपुर मंडी का भी रुख करते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से हर दिन 100 से अधिक मौत हो रही है, लेकिन इसका डर लोगों में नहीं है। सरकार को चिंता है इस बात की और इस बाबत आज मीटिंग भी बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, जहां बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है उन मीटिंग कर रहे हैं और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी किस तरह इस पे कंट्रोल किया जाए इसको। लेकिन इसके बावजूद भी आप मार्केट प्लेस में पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग बेशक संभव ना हो पाए लेकिन लोगों ने मास्क भी प्रॉपर नहीं लगा रखा है। मैं इस वक्त यहाँ पे ओखला मंडी में हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी, और एक पल के लिए वो अगर माफ भी कर दिया जाए उसके बावजूद भी यहाँ हर दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा दिखेगा या तो मास्क नहीं लगा रखा है या प्रॉपर नहीं लगा रखा है। ये बताइए मास्क क्यों नहीं पहना है? आप लोग इतने लोगों के बीच में रहते हैं, ज्यादा खतरा आप ही लोगों को है ना सर? खतरे वाली बात तो ये है, कहाँ तक मेरा मास्क बिना मरा, मिट्टी खराब हो गई, सांस की बीमारी और हो गई है। इतना मोटा मफलर बांध लिया हमें देख के, अच्छा। इससे अच्छा मास्क लगा लेते वो ज्यादा बेहतर नहीं? अरे सर मास्क की बीमारी और हो गई है। मास्क लगाया है प्रॉपर? मास्क लगा हुआ है। अच्छा। लगा हुआ अभी भी मुंह और नाक दोनों खाली आपका? इससे लगा हुआ सर। 2,000 रुपए का चालान है पता है आपको? हाँ है पता। कोरोना का भी कोई डर नहीं है? नहीं नहीं पता है चाचा। फिर लगाते क्यों नहीं? लगा रखा था सर, अब ये पैसे दे रहे थे ना। आपको कोरोना का डर नहीं लगता है भैया? जब मौत आ जाए तो वो ऊपर वाले के हाथ में।
चाचा मास्क कहाँ है? मास्क बेटा जी मैं धरो रहो ये धरो। अभी कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है? बिल्कुल डर नहीं है। कहाँ है बकवास बोलता झूठ बोलता मोदी कहाँ है? अच्छा ये राजनीति है इसकी, मोदी के लिए हम उतारे जो लेते हैं। टमाटर भाई 40 रुपए किलो। और कोरोना कैसे है? कोरोना भी बहुत जोरों पे। तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं भाई? थोड़ा सा सांस लेने की, अभी हटाया था बिल्कुल। लगाते हैं रुपए का चालान है पता है सर मुझे, थोड़ा बात करने में कस्टमर से सर के। नुकसान भी आप ही का है। जी जी जी। परिवार को भी नुकसान होने। जी जी जी। कोरोना के खतरे को एक तरह से नजरअंदाज करते हुए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और पहले से ही जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे उनमें ना तो इस बात की चिंता है कि कोरोना यहाँ फैल सकता है, ना ही कोरोना से बचने का कोई उपाय वो खुद कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। जल्द लौटेंगे, अब से थोड़ी देर बाद देखिए कोरोना से महाराष्ट्र का क्या है हाल।